बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में मौजूद मेरे भाई बखूबी जानते होंगे कि सऊदी अरब में 24 घंटे का कर्फ्यू था। कुछ दिनों से यह कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बहुत से इलाकों के सऊदी अरब के। इस वीडियो में भाई मैं आपको बता दूंगा किन दो बड़े शहरों से अभी कर्फ्यू ख़त्म किया गया है और आने वाले दिनों में किस बड़े शहर से कर्फ्यू ख़त्म किया जाएगा और एक से दूसरे शहर क्या आप सफ़र कर सकेंगे या नहीं। तो भाई आप हजरात को पता है कि जिन इलाकों से कर्फ्यू ख़त्म नहीं किया गया था इनमें मक्का सरफ़रिस्त है। मक्का पूरे शहर में 24 घंटे का कर्फ्यू चल रहा है। दूसरे शहरों से सुबह 9 से 5 बजे तक कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया था। आप अपने शहर के अंदर 9 से 5 कभी किधर भी जा सकते हैं, काम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में आपको कोई रोकथाम नहीं थी। एक से दूसरे शहर जाने पर अभी भी पाबंदी है सऊदी अरब में, अभी भी ये कर्फ्यू के अंदर ही है। तो मक्का में आप भाई 9 से 5 पर भी कहीं भी नहीं जा सकते, आपको परमिशन या तस्री लाजम लेनी पड़ेगी अगर आप कहीं मक्का में इस दौरान भी निकलते हैं। तो मदीना शरीफ के ऐसे इलाके कुछ हैं जो अभी भी 24 घंटे के कर्फ्यू में, तो कुछ और इलाके थे सऊदी अरब के दो बड़े शहरों के, वो भी 24 घंटे के कर्फ्यू में थे। वो आपको मैं अभी भाई उनकी तफसील बता दूंगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। रफा अल इजरात अल इख्तराजिया अल इजाफिया अनहई अल फैसलिया वल फाजलिया फी अल अख्सा बदाया बिन अरबा 13 रमज़ान। जी मेरे भाई, यहाँ मैं आपको एक बात कन्फर्म करता चलूँ, अल हफूफ अल हासा ये दोनों नाम एक ही शहर के हैं। पहले ये दोनों इलाहदा इलाहदा थे, अभी आबादी बढ़ने के साथ ये एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। अल हासा अल हफूफ ये दोनों एक ही शहर के नाम अभी गिने जाते हैं। तो इन दो शहरों में पहले ही 9 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू उठा लिया गया था, लेकिन ये कुछ इलाके बाकी थे, अभी इनसे भी कर्फ्यू उठा लिया गया है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे का कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया है आज 13 रमज़ान से। आप इस शहर में कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन इस बड़े शहर से आप कहीं बाहर आ नहीं जा सकते, ना इस शहर में आप जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मक्का से कर्फ्यू ख़त्म किया जाएगा, मक्का के कुछ इलाकों में कर्फ्यू रखा जाएगा, पूरे मक्का से कर्फ्यू उठा लिया जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है ईद से पहले पहले। तो आप मक्का में भी कहीं भी आ जा सकेंगे और उम्मीद की जाती है पूरी के ईद से पहले पहले एक से दूसरे शहर जाने पर पाबंदी जो है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। इसके मुतल्लिक हमें फिर भी जैसे कोई कन्फर्मली न्यूज़ मिलेगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तक भाई आप जिस शहर में हैं उस शहर में कहीं भी आ जा सकते हैं 9 बजे से 5 बजे तक, मासवाए मक्का के। मक्का में अभी भी कर्फ्यू है।